ऑनरेबल मेंबर श्री जुगल किशोर शर्मा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी का और राज्य मंत्री सिन्हा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से एक लोकप्रिय बजट जो है, रेल बजट जो है, वो देश को दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम जम्मू कश्मीर के विषय पर राज्य मंत्री रेल और सुरेश प्रभु जी से मिलते थे तो अक्सर इनका कहना रहता था कि भाई ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, हम जम्मू आएंगे और जम्मू आकर खुद इन समस्याओं पर आपसे बातचीत करेंगे। मुझे ये कहते हुए जहां पर हार्दिक खुशी हो रही है कि उसके बाद सुरेश प्रभु जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने खुद लोगों को सुना, उनकी समस्याओं को सुना, समस्याओं को देखा और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पर भी गए और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर गए और वहां पर सब लोगों से मिले, यात्रियों से भी मिले और उनसे उन समस्याओं की जानकारी भी ली जो हम समस्याएं अक्सर इनके सामने रखते थे। तो अक्सर मुझे ये कहते हुए आज खुशी हो रही है कि उन समस्याओं की तरफ इस बजट पर जो है वो खास ध्यान जो है वो दिया भी गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो आज रेल बजट जहां पर सुरेश प्रभु जी और एनडीए ने जहां पर पेश किया है, मैं ही इसकी सराहना नहीं कर रहा, पूरा देश इसकी सराहना कर रहा है। कारण यह है कि ये जो पहली बार ऐसा बजट जो है, रेल बजट जो है, वो इस देश को दिया गया है। कारण यह है कि जो पहले बजट पेश किए जाते थे उन बजटों में खासतौर पर प्रदेशों की ही तवज्जो नहीं दी जाती थी, किसी एक प्रदेश की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है पूरे देश की ओर बजट पर तवज्जो दी गई है और खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बजट है ये नागरिकों का बजट है, गरीब आदमी का बजट है। और मैंने ये देखा कि आज गरीब आदमी खुश है, माता बहनें सबसे ज्यादा खुश हैं कि पहली बार माता बहनों की तरफ इस रेल बजट में ध्यान जो है वो दिया गया है। और खास तौर पर माता बहनें इसलिए भी खुश हैं कि उनके बच्चों की तरफ भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके खाने के लिए और पीने के लिए दूध की व्यवस्था भी इस बजट में आदरणीय मंत्री जी ने रखी है, इसलिए माता बहनें, देश की पूरी माता बहनें खुश हैं। और हेल्पलाइन देकर तो और भी ज्यादा एक अच्छा कदम जो है इन्होंने उठाया है। हर आदमी जो सफर रेल में करना चाहता है, रेल में सफर करने वाला है नहीं, उसके घर वाले भी आज इस बजट से खुश हैं। ऐसा ऐतिहासिक बजट जो है वो पहली बार देश में पेश किया गया है जिसमें सुविधाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रेल का किराया ना बढ़ाकर बहुत बड़ा मैसेज जो है आज देश की जनता को दिया है कि खाली ये रेल बजट दिखावा ही नहीं है, ये लोगों की सुविधाओं का एक पिटारा है जो हमने देश को समर्पित किया है। और इसके साथ साथ ही ये जो हमारे कुल्ली भाई थे उनका जो मान सम्मान किया है, मैं उसके बाद रेलवे स्टेशन पर गया तो जो हमारे कुल्ली भाई थे वो इतने खुश थे कि उनका जो मान सम्मान, उन्हें सहायक के तौर पर जो नाम दिया है, बहुत ही इससे वो खुश थे। पहली बार देशवासियों को लगा कि ये जो बजट है ये देश का बजट है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यात्रियों की सुविधाएं के लिए ये रेल में सुविधाएं जो दी गई हैं वो भी एक बहुत बड़ा कदम, ये जो टॉयलेट की बात अगर हम करें, वाईफाई की बात हम करें, तो इससे भी जो लोग हैं वो खुश हैं। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रदेश रहा होगा जिस पर अपने आदरणीय रेल मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने जहां पर देखा कि आरओबी और आरजूबी ये एक ऐसी समस्या थी हर प्रदेश में, यहां के एक्सीडेंट भी होते थे, लोग भी मारे जाते थे और नुकसान भी देश का होता था। लेकिन पहली बार जहां पर आरओबी और आरजूबी देकर रेल मंत्री जी ने बहुत बड़ा एक कदम जो है वो उठाया है। और इसके साथ साथ ही ये जो रेल बजट है ये एक दूरदृष्टि रेल बजट है, इसका जो असर है आने वाले दिनों में दिखाई देगा और जो के लोग आज भी महसूस कर रहे हैं।
33% महिलाओं को आरक्षित देना, और इसके साथ साथ ही मैं थोड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ भी ध्यान ले जाना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं एनडीए सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल के मंत्री सुरेश प्रभु जी का, जगदीश सिंह का, कि इन्होंने ये जो 10 वर्षों से 50 वर्षों से डिमांड थी कि जम्मू से लेकर पुंछ तक रेलवे लाइन का सर्वे जो है करवाया जाए ताकि वहां पर रेलवे लाइन बिछाया जाए, उसे भी इस बजट में जो है वो अनुमति दी गई है। और खासतौर पर 26 आरओ भी हमारे जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर कश्मीर की तरफ भी और जम्मू की तरफ भी बराबर तवज्जो जो है वो दी गई है। मेरा रेलवे मंत्री जी का आभार प्रकट करना इसलिए भी जरूरी बनता है कि जम्मू रेलवे स्टेशन को यह सुविधाएं देनी चाहिए, आधुनिकीकरण बनाना चाहिए, नवीनीकरण करना चाहिए, मॉडल स्टेशन बनाना चाहिए, उसकी ओर भी एक खास ध्यान जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश की तरफ रेलवे मंत्रालय ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। कृपाल तुमाने महोदय, आपने मुझे रेल बजट 2016-17 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, सरकार ने रेल बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है वो काफी सराहनीय है, विशेषकर इसमें जो वर्तमान कार्य संचालन, मूलभूत सुविधाएं तथा पूर्व में दी जा रही सुविधा में सुधार हेतु अग्रणी कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार